समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया है। रेवती रमण ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव के साथ उन्होंने तकरीबन 50 सालों तक राजनीति की है। मुलायम सिंह के निधन से देश और समाज के साथ ही उनकी व्यक्तिगत क्षति हुई है। मुलायम सिंह ऐसे राजनेता थे जो हमेशा कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करते थे, उनसे आत्मीय स्नेह रखते थे। उनके और कार्यकर्ताओं के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता था। वो हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेते थे। राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का समर्थन कर उन्होंने सियासी सरगर्मी पैदा की थी, तो वहीं रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए थे जो मील का पत्थर साबित हुए। सीधे जनता से जुड़े हुए, उन्होंने पार्टी को गांव के गलियारे खड़ा किया। रात को गरीब आदमी के यहाँ वो टिकते थे, वहीं खाना खाते थे। उनके पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को उनके नाम से पुकारते थे। अच्छा, उनका जनता से सीधा लगाव पार्टी के लिए, दोनों के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत नुकसान, उनका भरपाई करना बड़ा मुश्किल। यूपी के राजनीति में बताया तो उन्होंने 4 बार सरकार बनवाई, यही उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा परिचय है। 4 बार अकेले दम पर उन्होंने सरकार बनवाने का काम किया, ये उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा परिचय है। पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर और BJP के वरिष्ठ नेता और कई बार यूपी विधानसभा में स्पीकर रहे पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी ने भी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव उनके करीबी मित्र रहे हैं, ऐसे में उनके निधन से देश व समाज के साथ ही उनकी व्यक्तिगत तौर पर क्षति हुई है। उनके मुताबिक मुलायम सिंह यादव ऐसे राजनेता थे जो एक पार्टी में बंधे होने के बावजूद दूसरे दलों के नेताओं से भी अच्छे संबंध रखते थे। मुलायम सिंह मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में थे, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक दूरी बनाए रखने के साथ ही साथ हम लोग राजनीतिक दृष्टि से नज़दीक भी थे। वो दोस्तों के दोस्त थे और जो भी उनको दोस्त मानता था वो उनका दोस्त था, तो इस तरह से मैं उनका दोस्त भी था और राजनीतिक दृष्टि से सहयोगी तो नहीं कहेंगे, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी नज़दीक में एक दृष्टि से था। इस तरह से नज़दीक था कि अगर कोई कठिन बात होती थी, कठिनाई होती थी, तो हम लोग बैठ करके आपस में परामर्श भी कर लेते थे, बशर्ते कि राजनीतिक विरोधाभास उन बातों में न हो। तो राजनीतिक विरोधाभास को छोड़कर हम सब आपस में तमाम बातें किया करते थे। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आज आपको याद आ रही है और कौन सी चीज़ है जो आपको उनको अलग करती थी राजनीति में, एक अलग पहचान बनाती थी उनकी? देखिए, राजनीति में बहुत सी चीज़ें थीं जो अलग करती थी और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो एक करती थी। जैसे राजनीति में हिंसा, तो मुलायम सिंह राजनीति में हिंसा के बहुत पक्षधर नहीं थे, हालांकि उन्हीं की पार्टी ने विधानसभा में हिंसा की थी, लेकिन वे उसके पक्षधर नहीं थे और मेरे पास आए थे एक बार और कहने लगे कि ये हिंसा ठीक नहीं है, सदन के अंदर हिंसा नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के देहांत से प्रयागराज की प्रतापपुर विधानसभा सीट से विधायक विजमा यादव भी काफ़ी दुखी हैं। नेताजी के बारे में बात करने पर उनकी आंखों से आंसू छलक आ रहे हैं। विजमा यादव कहती हैं कि नेताजी हमारे सभी महिलाओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने परिवार की तरह मानते थे और आज उनके जाने के बाद समाजवादी पार्टी के साथ साथ देश के तमाम लोगों को काफी दुख महसूस हो रहा है। पार्टी के जो हमारे मुखिया थे, महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में, हमें तो उत्तर प्रदेश नहीं, मैं व्यक्तिगत अपने को कह रही हूँ कि मैं, हम लोगों के लिए एक पिता तुल थे, गार्जियन थे, हम लोगों का रास्ता बताते थे, कहते थे बिजमा ऐसे चलो,
अब हम लोगों के बीच में कोई बताने वाला नहीं है। आज हम लोगों का एकदम समाजवादी के हमारे मुखिया, अब हम लोगों का लगता है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, आज हम लोग उनके सामने कैसे पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरा हिंदुस्तान आज सुना दिखाई पड़ रहा है। जो बेटियों के बारे में, जो महिलाओं के बारे में हिंदुस्तान में कोई सोचता था तो मुलायम सिंह यादव सोचते थे,